तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें मोस्टली दो ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले का नाम है लाइट रूम एंड दूसरी का नाम है पिक्सार। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज यार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जाकर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मेरा नाम करण है और आप देख रहे हैं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जीतू टेक्निकल को। फ्रेंड्स, तो वीडियो पे बने रहिए, क्या होता है क्या नहीं होता बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं वीडियो पे। तो है गाइस, सबसे पहले आपको लाइट रूम को ओपन करना है। लाइट रूम को ओपन करने के बाद कोई सी भी फ़ोटो चूज कर लेनी है, जैसे मैंने ये चूज कर ली। चूज करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे लाइट का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर आपको क्लिक करना है। लाइट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार या पांच ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है एक्सपोजर का, तो इसको क्या है, एक्सपोजर को थोड़ा कम करना है हमको। फिर होता है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाना है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद जैसे हाईलाइट होती है वो अपने अकॉर्डिंग होती है, जैसे मैंने इतनी हाईलाइट कर दी। फिर हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, अब क्या करना है, करने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बी एंड डब्ल्यू एंड मिक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ गए हैं जिसके आपको चूज करना है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें एक तो येलो लेना है, एक ग्रीन लेना है। तो फ्रेंड्स, येलो में हमें थोड़ा सा इसको कम कर देना है, इसको कम करना है और इसको थोड़ा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, हमें ग्रीन चूज कर लेना है। ग्रीन चूज करने के बाद हमें ग्रीन को थोड़ा कम कर लेना है और इसकी सेचुरेशन होती है उसको भी कम कर लेना है। सेचुरेशन को कम करने के बाद ल्यूमिनेंस को हमें क्या करना है, बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। ब्लू कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो शर्ट का कलर है वो चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको कम कर दिया, कम करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये से प्रोसेस करने, फिर यहाँ पे आपको डन कर देना। डन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो त्रिभुज का साफ ऑप्शन नज़र आ रहा है तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टेक्सचर क्लेरिटी डिटेक्ट एंड इंटीग्रिटी का ऑप्शन आ रहा, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रिटी पे क्लिक करना है। इंटीग्रिटी पे क्लिक करने के बाद इसको डाउन कर लेना। डाउन कर लिया है तो डाउन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको राउंडनेस का ऑप्शन आ रहा तो उस पर भी आपको थोड़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वापस थोड़ा इधर आ जाना है। इधर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको शुरू से चार नंबर का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आर्टिक्स दो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर लेना है। कम करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो कितनी ऑसम एंड यूनिक आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पहले फ़ोटो कैसे थी। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से थी बिफोर, अब देखो आफ्टर। तो फ्रेंड्स, अब कुछ इस तरीके की हमारी फ़ोटो दिख रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।